लॉकडाउन के मद्देनजर शनिवार को एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स के साथ शहर और जिले में फ्लैग मार्च निकाला। आपको बता दें, स्थानीय जनता को सुरक्षा का एहसास दिलाने के मकसद के साथ लॉकडाउन का पालन कराने के मकसद से फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बातचीत में एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। साथ ही एसपी सिटी ने चेतावनी देते हुए कहा कि गैर कानूनी तरीकों से घरों से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एसपी सिटी ने लोगों से कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने को लेकर घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करने को कहा। आपको बता दें, शहर के जटेपुर पुलिस चौकी से कचहरी चौराहा, घोष कंपनी चौक से होकर कोतवाली इलाके में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता के नेतृत्व में एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने भारी पुलिस फोर्स के साथ पैदल गश्त किया। वहीं पूरे जिले में भी भारी पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ और एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, नहीं नहीं।
क्या हो गया? कप्तान साहब के निर्देशानुसार जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में कई जगहों पर फ्लैग मार्च निकाले गए हैं ताकि लॉकडाउन के तीसरे फेज़ में लोगों को जागरूक किया जा सके और अगर कहीं लोग उल्लंघन करें तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सके। इस दौरान लोगों को क्या अपील? लगातार यही अपील है, लॉकडाउन का पालन करें, अपने अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से निकलने पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के बारे में उनको अवगत कराया गया। नहीं, लगातार वहाँ पर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, चेक भी किया जा रहा है, पासेस चेक किए जा रहे हैं, डाटा एंट्री भी की जा रही है ताकि अनावश्यक रूप से लोग यहाँ पर ना आए कहीं पर भी अपने क्षेत्र से बाहर। बिल्कुल, जैसा कि आपको पता ही है लॉकडाउन का तीसरा फेज कल से गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है और लोगों से बार बार हम गुजारिश करेंगे कि स्थितियाँ इतनी ठीक नहीं है, यदि लॉकडाउन खुला जाए जैसा कि फैसला लिया गया है, लोग लॉकडाउन का पालन करें, घरों में ही रहें, अति आवश्यक कार्य तभी निकलें और गैर कानूनी तरीके से अगर निकलने पर उनके खिलाफ बहुत कानूनी कार्रवाई की। जिले में आज पुलिस पूरी तरह से सड़कों पर है और भारी मात्रा में हम लोग पैदल गश्त कर रहे हैं और फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, जनता को सुरक्षा का संदेश दे रहे हैं और साथ ही साथ जनता को बता रहे हैं हम कोरोना के खिलाफ युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं और लोग हमारा इसमें सहयोग करें, घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। लॉकडाउन का पालन करने से ये है कि जो आपकी भीड़ भाड़ होती है अनावश्यक कम है, नाके बहुत सारी संख्या में लगे हुए हैं और गोरखपुर में ही अकेले लगभग 200 के आसपास नाके लगे हुए हैं और हमारी पूरी नज़र हर तरह के अपराधियों पर भी है। हमारा जो प्राइम टास्किंग है अपराध पर नियंत्रण, उस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं।